जय हिंद एवरीवन, आप सबका अनिल अरुला आईएएस स्टडी सेंटर पर स्वागत है। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर हम स्टेट के बारे में बात कर लें तो स्टेट लेजिस्लेचर हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव हम डिस्कस कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारे हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आप सबको पता है, अगर हम हायरार्की की बात कर लें तो सबसे ऊपर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, एक ही सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अभी 10th ऑफ नवंबर को नेक्स्ट 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जी यहां पर बनेंगे। उसके बाद अगर हम बात कर लें तो ऑलमोस्ट 25 हाई कोर्ट्स हमारे पास हैं हायरार्की में। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के नीचे बात करें तो हाई कोर्ट के नीचे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे भी अगर हम चले जाएं तो ग्राम न्यायालय, ठीक है, लोक अदालत, स्टैट्यूटरी, ठीक है, स्टेटस जिनको हैं हमारे पास आ जाते हैं। अगर इस पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ेंगे पॉलिटी की, तो हाई कोर्ट्स डज नॉट कम अंडर द सुप्रीम कोर्ट। इन शॉर्ट, हाई कोर्ट्स सबऑर्डिनेट नहीं है सुप्रीम कोर्ट से, बिकॉज दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलर वे में जैसे यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, भाई स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, दोनों की दोनों पावर कहाँ से ले रही हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम वन, इसलिए हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे बात करें तो हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट नहीं है, हाई कोर्ट एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही हैं, बट हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट्स एंड उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। नाउ सुप्रीम कोर्ट वाला अगर आपने चैप्टर ढंग से पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया है, तो हाई कोर्ट वाला चैप्टर बहुत ही सिंपल होने वाला है। हाई कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेट। स्टेट में हाईएस्ट तो भाई हाई कोर्ट ही होगा। अंडर द इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एस्टैब्लिश बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसलिए मैंने आपको कहा द हाई कोर्ट्स हैव बीन इन्विसाज्ड एज, क्या क्या यहाँ पर हाई कोर्ट को बोला जाता है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द स्टेट, भाई एक स्टेट के अंतर्गत तो जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है आपकी कहाँ पे जाएगी, हाई कोर्ट में जाएगी। हाई कोर्ट में चैलेंज करके वे ऑफ अपील के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। हमने पढ़ा था अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो हमने आर्टिकल 32 भी कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ा था, जिसमें आप डायरेक्टली आर्टिकल 32 यूज करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 यूज करके हाई कोर्ट को आप यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। नंबर टू, द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 226 जिसमें आप हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं। नंबर थ्री, द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इन सभी ये चीज़ें जो चारों हैं, हाई कोर्ट को इस तरीके से इन्विसाज किया जाता है। नाउ अब इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जहां से हमने ऑलमोस्ट 70% अपना कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट बोरो किया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद अ थ्री टायर स्ट्रक्चर हमारे पास आता है। सबसे ऊपर हमारे पास हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट आता है, जिसमें एट प्रेजेंट 34 जजेज हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जिसमें 33 जजेज होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा। अगर 33 जजेस की बात कर लें तो इनको प्यूनरी जजेस भी कहा जाता है या ब्रदर जजेस के नाम से भी जाना जाता है। इस स्ट्रेंथ को अगर इंक्रीज करना है तो पार्लियामेंट के पास यहां पर पावर है। नेक्स्ट इज द हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स की स्ट्रेंथ डिफर कर सकती है स्टेट टू स्टेट, बट अगर इसमें कुछ चेंज करने हैं स्ट्रेंथ में टाइम टू टाइम तो राष्ट्रपति के पास पावर है। हमने गवर्नर वाले टॉपिक में ये पढ़ा था कि एक लौती कंडीशन है जब गवर्नर को बिल राष्ट्रपति जी के लिए रिजर्व करना पड़ता है, जो वो बिल हाई कोर्ट की पोजीशन को इंडेंजर कर रहा है, तो उस टाइम पे गवर्नर जी को यहाँ पर जो वीटो पावर्स हैं उसमें राष्ट्रपति के लिए उस बिल को रिजर्व करना पड़ेगा। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सबसे नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, दिस सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन्फोर्सेस बोथ सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। नाउ आर्टिकल 214 से लेकर 231 पार्ट 6 में यहाँ पर डील कर रहे हैं जितने भी प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट्स। अंडर दीज आर्टिकल्स डील विद द ऑर्गेनाइजेशन,
इंडिपेंडेंस किस तरीके से इंडिपेंडेंस है हाई कोर्ट के पास, उसकी जुरिडिक्शन कौन कौन सी है, उसकी पावर्स कौन कौन सी हैं, प्रोसीजर कौन कौन से हैं हाई कोर्ट के, ये सब डील कर रहे हैं 214 से लेकर 231 के बीच के आर्टिकल्स। द पार्लियामेंट एंड द स्टेट बोथ आर ऑथोराइज टू रेगुलेट दीज प्रोविजंस। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट हम चलते हैं अब कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है कि भाई हर स्टेट का एक हाई कोर्ट तो जरूर होगा, ठीक है, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट जरूर होगा। अब हमारे पास एट प्रेजेंट 28 स्टेट्स हैं टोटल और हमारे पास 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अभी जम्मू कश्मीर जब स्टेट बन जाएगा तो उसके बाद एक यूटी आप कम कर देंगे, एक स्टेट बढ़ जाएगा। नाउ बट 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ये हमने गवर्नर वाले टॉपिक में भी पढ़ा था कि एक पर्सन दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का राज्यपाल गवर्नर बन सकते हैं, ठीक है, हमने डिस्कस किया था। सिमिलरली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 कहता है कि एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है दो या दो से ज्यादा स्टेट्स का और यूटी का। सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट सामने ही है। फॉर एग्जांपल द जम्मू कश्मीर एंड द लद्दाख हैव अ कॉमन हाई कोर्ट, ठीक है, अभी आप देखते हैं उनका कॉमन हाई कोर्ट है। द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज कोटर्मिनस विद द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। The territorial jurisdiction of a common high court is coterminous with the territory of the state as well as the UT. भाई अगर UT भी उसमें साथ में ही आ रही है तो उस UT की क्वाइट ऑब्वियस है यहाँ पर जो territorial jurisdiction होगी उसके अंतर्गत ही आएगी। The parliament can extend the jurisdiction. अगर extend करनी है jurisdiction high court की तो parliament के पास power है, और exclude the jurisdiction from any union territory. भाई कल को उसको यूनियन टेरिटरी को जुरिडिक्शन से बाहर लेकर आना है। फॉर एग्जांपल पहले नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट था, उसके बाद 3 स्टेट्स अलग हुए, उसमें से उनका कॉमन अलग अलग हाई कोर्ट बना दिया गया, ठीक है। दिल्ली एक लौती यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट था, ठीक है, था क्या है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता हो कि किसके पास पावर है रेगुलेट करने की। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट। जैसे हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इनिशियली 8 थी, 7+1 जो अब कितनी है 33+1। अब यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कुछ भी स्पेसिफाई नहीं करा कि हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी रखनी है एंड किसके ऊपर छोड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। सिमिलर वे में अगर क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ कौन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, तो पार्लियामेंट करेगी, हाई कोर्ट में प्रेसिडेंट। दस एवरी हाई कोर्ट कंसिस्ट ऑफ अ चीफ जस्टिस होंगे एंड अदर जजेस डिटर्मिंड बाय द प्रेसिडेंट। बाकी सब जजेस जैसे प्रेसिडेंट डिटर्मिन कर रहे हैं। अब जब हमने सुप्रीम कोर्ट किया था तो हमने एक कंसेप्ट किया था कोलिजियम सिस्टम का कि भाई प्रेसिडेंट अदर जजेस को किस बेस पे अपॉइंट कर रहे हैं, डेट प्रोसेस इज नोन एज कोलिजियम सिस्टम। भाई कोलिजियम सिस्टम के बेस पर यहाँ पर थर्ड जज केस, 3 केसेस करे थे हमने, फर्स्ट जज केस, सेकेंड जज केस, थर्ड जज केस। थर्ड जज केस में कहा गया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 4 सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के, एंड इन 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इन्हीं में से नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निकल कर आएगा, जैसा कि अभी हम 10 नवंबर को देखेंगे 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस संजीव खन्ना जी आएंगे। सिमिलर वे में अगर हम बात कर लूं हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के कोलिजियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ 2 सीनियर मोस्ट जज यहां पर सुप्रीम कोर्ट के होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जब होंगे तो सीजीआई के साथ 4, हाई कोर्ट के तो 2। द प्रेसिडेंट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड ऑफ द हाई कोर्ट। भाई उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की वर्कलोड के हिसाब से राष्ट्रपति स्ट्रेंथ को डिफर कर सकता है स्टेट टू स्टेट, बट सुप्रीम कोर्ट के फिक्स है 33+1 34 एट प्रेजेंट, ठीक है, जो टाइम टू टाइम इंक्रीज होती रहती है। नाउ द चीफ जस्टिस एंड द अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। याद रहे स्टेट देखकर गवर्नर आपके दिमाग में आएगा, नॉट बाय द गवर्नर, बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर। उस पर्टिकुलर स्टेट के राज्यपाल से पूछा जाएगा एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनसे दोनों से कंसल्ट करके चीफ जस्टिस को यहां पर अपॉइंट किया जाएगा एक पर्टिकुलर स्टेट के हाईकोर्ट में। अदर जजेस आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर एंड चीफ जस्टिस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। इन केस द कॉमन हाई कोर्ट द गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट। भाई अगर कॉमन हाई कोर्ट्स है तो दोनों स्टेट्स के गवर्नर से पूछा जाएगा। अब सवाल वही उठ रहा है जो इसमें लाइन लिखी हुई है
कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टिंग विद द गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट, किस बेस पर अपॉइंटमेंट हो रही है, दैट इज कॉल्ड कोलीजियम सिस्टम, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया था, ठीक है। एज पर द सेकेंड जज केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थर्ड जज केस बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि सेकेंड जज केस में क्या कहा था, एज पर द सेकेंड जज केस द कंसल्टिंग विद सीजीआई मींस कंकरेंस एंड द एडवाइस बाय द सीजीआई इज बाइंडिंग। भाई राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ एडवाइस दी कि भाई आपको एक्स वाई जेड ये जजेस लगाने हैं, तो राष्ट्रपति बाउंड हो गए। तो यहां पर सवाल उठा कि क्या खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ओपिनियन को यहां पर फाइनल मान लिया जाए, बाइंडिंग मान लिया जाए। तो थर्ड जज केस फेमस आता है, जो हमने सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस किया था, कि यहां पर एक कोलीजियम को यहां पर कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हेयर द कंसल्टेशन डज नॉट मीन द कंकरेंस, उस कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। यहां पर आपको यहां पे मल्टीपल जजेस, फॉर एग्जांपल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ चार सीनियर मोस्ट जज होंगे जब सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट होगी, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ दो सीनियर मोस्ट जज होंगे जब हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होगी। सो द रिकमेंडेशन मेड बाय द सीजीआई विदाउट कंसल्टिंग द कोलिजियम आर नॉट बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोलिजियम से कंसल्टेशन नहीं करी तो राष्ट्रपति के ऊपर उनका ओपिनियन बाइंडिंग नहीं होगा। नाउ क्वालिफिकेशन, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर थी, यहां पर 62 आएगी। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है भाई, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होने ही चाहिए वो, ठीक है, पार्ट टू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप। हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर 10 ईयर्स, 10 साल के लिए उनका एक जुडिशियल ऑफिस हो। एडवोकेट ऑफ वो हाई कोर्ट के, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, यहां पर ये चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट की तरह यहां पर वो वाली क्वालिफिकेशन ऐड नहीं कर रखी कि राष्ट्रपति की नजर में, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में क्वालिफिकेशन पढ़ी थी चौथी, कि अगर कोई डिस्टिंग्विश जुरिस्ट है इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया जा सकता है। बट हाई कोर्ट के केस में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। अनलाइक द केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट मेक एनी अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट। डिस्टिंग्विश्ड जुरिस्ट की कोई भी अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट में नहीं होगी। कोई मिनिमम एज नहीं है, एज यूजुअल जैसे सुप्रीम कोर्ट में था कि कोई भी मिनिमम एज नहीं है, ठीक है, हाई कोर्ट के जजेस को यहां पर अपॉइंट करने की। द सीजीआई एंड द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट मेक एंड सब्सक्राइब द ओथ और अफर्मेशन बिफोर द गवर्नर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो ओथ लेंगे वो किसके सामने ले रहे हैं, गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। और अगर गवर्नर साहब नहीं है वहां पर राज्यपाल जी, तो वो किसी एक पर्सन को यहां पर अपॉइंट करेंगे ओथ या अफर्मेशन के लिए। ओथ इन द नेम ऑफ द गॉड, अफर्म जब आप एथिस्ट गॉड के नाम पर ओथ नहीं ले रहे, शपथ नहीं ले रहे, आप अफर्म कर रहे हैं। जैसे इस बार राहुल गांधी जी ने ओथ ली थी जब यहाँ पे जब एमपी बने थे वो लोकसभा में, तो उन्होंने अफर्म किया था, ठीक है, नॉट इन द नेम ऑफ गॉड। इन हिज और हर ओथ द जज, नंबर वन, टू फियर टू बियर द ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए फेथफुल रहेंगे। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को अपहोल्ड करेंगे। यहाँ पर फेथफुली यहाँ पर अपना बेस्ट एबिलिटी, नॉलेज, जजमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को यहाँ पर अपहोल्ड करेंगे। ये कुछ ओथ है हाई कोर्ट के जजेस की। यहाँ पर कई बार वर्स्ट केस ऐसा भी हुआ है कि ओथ, जैसे मिनिस्टर्स में, ठीक है, एक मिनिस्टर के ले रहे हैं वो, एक मेंबर ऑफ लोकसभा मेंबर के ले रहे हैं, तो कई बार आपको ओथ भी मैच द फॉलोइंग में पूछी गई है, ठीक है। तो ये ओथ के कुछ पॉइंट्स हैं आपको पता हूँ। नेक्स्ट, जितनी भी सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, ये सब डिटरमिन कौन कर रहा है, पार्लियामेंट टाइम टू टाइम, ठीक है। दे के नॉट बी वेरिड टू देर डिसएडवांटेज आफ्टर देर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360। भाई हाई कोर्ट के जजेस की कुछ तनख्वाह है, अब ये नहीं कि कल को एक पर्टिकुलर जज ने सरकार के अगेंस्ट जजमेंट दे दी तो कल को आप उसकी तनख्वाह ही कम कर दो, वेरी कर दो, इट कैनॉट बी वेरी, नॉन वोटेबल, ठीक है। वो कम कब करी जा सकती है, जब 360 आर्टिकल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो, जो कि आज तक कभी भी नहीं लगी है। तीन तरह की इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी जो कि तीन बार आज तक लगी है, ठीक है, उसके बाद स्टेट इमरजेंसी लगातार लगती ही रहती है, राष्ट्रपति शासन। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है। एज लिमिट कब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, 62 साल तक, सुप्रीम कोर्ट में 65 था आपके पास। कोई भी क्वेश्चन उनसी एज से रिलेटेड आया तो कौन डिटरमिन कर रहा है, बाय द प्रेसिडेंट।
आफ्टर कंसल्टिंग विद सीजीआई एंड द डिसीजन ऑफ द फाइनल प्रेसिडेंट इज फाइनल। राष्ट्रपति यहाँ पे सीजीए के कंसल्ट करेंगे, अगर एज से रिलेटेड कुछ भी कॉन्सेप्ट आता है राष्ट्रपति का डिसीजन फाइनल माना जाएगा। ही कैन रिजाइन एनी टाइम बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, किसी भी टाइम वो रिजाइन कर सकते हैं राष्ट्रपति को लिखकर। नाउ ही कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। सिमिलर केस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस दो ही ग्राउंड्स पे रिमूव होते थे, आपको पता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था उनका, इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, ये दो ही ग्राउंड्स थे, ठीक है। उसके बाद जजेस इंक्वायरी एक्ट था 1968, दोनों हाउसेस में लोकसभा राज्यसभा दोनों में रेजोल्यूशन स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास होगा, अगर वो पास हो जाता है देन द पर्टिकुलर जज स्टैंड्स इम्पीच। अभी तक हाई कोर्ट का कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है, बट प्रोसेस सेम है जो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का था, ठीक है। इसलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि भाई उनको यहाँ पर पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा रेजोल्यूशन, तभी वो हट सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? दैट इज स्पेशल मेजोरिटी इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट मेजोरिटी प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। दोनों मेजोरिटी चाहिए होंगी तभी पास होगा। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है? द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। भाई अगर 100 बंदे हैं तो 51 आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां पर वो हटते हैं, दो ही ग्राउंड्स हैं, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी। नाउ अगर राष्ट्रपति चाहें, एक हाई कोर्ट वन है, हाई कोर्ट टू है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करनी है किसी जज की फॉर एग्जाम्पल, तो यहां पर खाली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का यहां पर जो ओपिनियन होगा वो फाइनल नहीं होगा। द प्रेजिडेंट कैन ट्रांसफर अ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर आफ्टर कंसल्टिंग सीजीआई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछकर वो ट्रांसफर कर सकते हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, बट यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का फाइनल ओपिनियन नहीं होगा। थर्ड जज केस में उनको यहां पे चार सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट के उनसे यहां पे कंसल्ट करना पड़ेगा, प्लस हाई कोर्ट नंबर वन इस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट नंबर टू दोनों के दोनों हाई कोर्ट्स के जो चीफ जस्टिस हैं उनसे भी कंसर्न करना पड़ेगा जब यहां पर किसी भी जज की ट्रांसफर कर रहे हैं एक हाई कोर्ट से दूसरे में। द सोल ओपिनियन ऑफ सीजीआई डज नॉट कंस्टिट्यूट द कंसल्टेशन प्रोसेस। आई होप दिस इज क्लियर। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो सकती है, दोनों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट किया जाएगा, प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ चार सीनियर मोस्ट जज बैठेंगे सुप्रीम कोर्ट के। नाउ नंबर नेक्स्ट वन, एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जैसे होता था गुलजारी लाल नंदा जी जो कि एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, सिमिलर वे में यहां पर जब चीफ जस्टिस का ऑफिस वेकेंट हो गया है या फिर वो टेम्परेरली एब्सेंट हैं या वो अभी अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कुछ टाइम के लिए, तब उनकी जगह पे एक्टिंग चीफ जस्टिस को लगा दिया जाएगा। कौन लगा रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट, ठीक है, नॉट गवर्नर, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है एक्टिंग जजेस, सिमिलरली जैसे चीफ जस्टिस है ऐसे ही प्रेसिडेंट एक्टिंग जजेस को लगा देंगे हाई कोर्ट में, जब यहां पर एट प्रेजेंट जो जजेस हैं वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या फिर वो टेम्परेरी चीफ जस्टिस का काम कर रहे हैं उस टाइम के लिए। जो एक्टिंग जज हैं वो कब तक ऑफिस को कर रहे हैं? ही कैनॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 62, जो हमने डिस्कस करी कि एज लिमिट क्या है 62। नाउ एडिशनल जजेस, एडिशनल का नाम से पता लग रहा है ज्यादा कुछ वर्कलोड हो गया है, एरिया ऑफ वर्क हो गया है, तो हमें एडिशनल जजेस की जरूरत पड़ रही है। तो प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ड्यूली क्वालिफाइड पर्सन एज एडिशनल जजेस ऑफ द हाई कोर्ट बट नॉट एक्सीडिंग 2 years। मैक्सिमम 2 साल के लिए एडिशनल जजेस राष्ट्रपति अपॉइंट कर सकते हैं। कब? भाई एकदम से हाई कोर्ट का काम बढ़ गया, ठीक है, हाई कोर्ट का जो काम वर्कलोड था वो इंक्रीज हो गया। एरियर ऑफ वर्क, एरियर का मतलब आप समझते होंगे जब आप पेरेंट्स से कई बार बात करते होंगे कि एरियर आ गया, पिछली सारी तनख्वाह इकट्ठे होकर आई, ठीक है, कुछ एरियर आ गया, पिछले का कुछ बोनस इकट्ठा आ गया। एडिशनल जज कैन नॉट होल्ड ऑफिस आफ्टर अटेनिंग 62, जो कि हाई कोर्ट के लिए है, बट यहां पर एक चीज याद रखी जाए कि मैक्सिमम 2 साल के लिए ही एडिशनल जजेस आ सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट, कि ज्यूरिडिक्शन क्या है। जैसे हमने हाई सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन किया था कि दोनों दो स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट्स है एक्सेप्ट पानी, पानी की डिस्प्यूट जब दो स्टेट्स के बीच में होगी तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं आता, उसके लिए हमने पढ़ा था इंटर स्टेट वाटर ट्रिब्यूनल्स बना रखे थे। सिमिलरली यहां पर कुछ हाई कोर्ट्स की पावर्स हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन यहां पर, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज में भी चलता रहता है।
अगर मान लो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे भी लोकसभा के इलेक्शन हुए थे या स्टेट लेजिस्लेचर के, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आएगा, ठीक है, वहां पर हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर और नेक्स्ट ऑर्डर डन इन द रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू से रिलेटेड यहाँ पे कलेक्शन से रिलेटेड कुछ है तो हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, वो बीच में खुद से आ सकते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमने रिट्स पढ़ी थी आर्टिकल 32 में, तब हमने दोनों आर्टिकल्स पढ़े थे। केसेस ऑर्डर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई नीचे लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई ऐसा केस है जहां पर उस केस में इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ चाहिए, तो उसको वो ट्रांसफर करके अपने पास लेकर आ रहे हैं, वो उनके पास ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, मतलब वे ऑफ अपील नहीं, खुद से है। द फोर हाई कोर्ट्स कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास एंड दिल्ली हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल सिविल ज्यूरिडिक्शन इन द क्लासेस ऑफ हायर वैल्यूज, सिविल ज्यूरिडिक्शन है इन चार हाई कोर्ट के पास इनिशियली, ठीक है। तो यहां पर ये हो गई ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन हाई कोर्ट की। रिट ज्यूरिडिक्शन सिमिलर वे में जो हम कर चुके हैं, आर्टिकल नंबर 32, सुप्रीम कोर्ट, जब भी आपका यहाँ पर फंडामेंटल राइट यहाँ पर कुछ वायलेट होता है, फंडामेंटल राइट प्लस अदर राइट्स के लिए हमारे पास हाई कोर्ट है, आर्टिकल 226। डैट मीन्स फंडामेंटल राइट के केस में आप दोनों कोर्ट्स के पास जा सकते हो। पांच तरह की रिट्स हमने पढ़ी थी, हेबस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी, क्यू वेरेंटो, पांच रिट्स हमने पढ़ी थी आर्टिकल 32 में, जब हम फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर चुके हैं। तो आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास पावर है वो फंडामेंटल राइट या फिर ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए इन्फोर्समेंट के लिए रिट इशू कर सकती हैं, ठीक है। द रिट ज्यूरिडिक्शन इज नॉट एक्सक्लूसिव बट कंक्रंट विद द सुप्रीम कोर्ट, क्या कह रहा है कि भाई एक्सक्लूसिव पावर नहीं हाई कोर्ट की, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट भी आर्टिकल 32 में पांच तरह के रिट्स इशू कर सकती है व्हेन योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड, जब आपके मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट वायलेट होते हैं। नेक्स्ट इज द कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, हाई कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जो उसके नीचे कोर्ट्स आ रहे हैं। इट इज कंसल्टेड बाय द गवर्नर इन द मैटर ऑफ अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन ऑफ डीजेस, भाई डिस्ट्रिक्ट जजेस की जब अपॉइंटमेंट हो रही है तो वहां पर गवर्नर साहब इनको कंसल्ट करते हैं। एंड इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन टू द जुडिशियल सर्विस अदर देन डीजे, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो बाकी जुडिशियल सर्विस हैं उसके अपॉइंटमेंट में यहां पर इनको कंसल्ट किया जाता है। इट डील्स विद द मैटर ऑफ पोस्टिंग, प्रमोशन, ग्रांट ऑफ लीव, ट्रांसफर, डिसिप्लिन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जुडिशियल सर्विस अदर देन द डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा बाकी सारी चीजों की, पोस्टिंग हो गई, प्रमोशन हो गया, उनकी ट्रांसफर हो गई, उनके डिसिप्लिनरी मैटर्स हो गए, इन सब में यहां पर इनके पास सबऑर्डिनेट कोर्ट के ऊपर कंट्रोल है, ज्यूरिडिक्शन पावर है। जुडिशियल रिव्यू हम आर्टिकल 13 को डिस्कस कर चुके हैं, आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, जब हमने फंडामेंटल राइट डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट यहां पर और इवन द हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो है किसी भी लेजिस्लेटिव एक्ट की, तीन ऑर्गन थे हमारे पास, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स जो लॉ को इंप्लीमेंट कर रहा है, जुडिशरी जो उसके ऊपर चेक्स और बैलेंसेस रख रहा है। तो जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, लेजिस्लेटिव एक्ट्स हैं, सेंटर और स्टेट लेवल बोथ, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। नाम से पता लग रहा है कि जुडिशियरी के पास पावर है रिव्यू करने की। हमने इसमें केस भी करा था, केशवानंद भारती केस 1973, कि आप संविधान में चेंज कर सकते हैं बट बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं ला सकते, मूलभूत ढांचा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया सेकुलर है, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सब बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आ रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करता है? जुडिशरी डिसाइड करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। इफ ऑन एग्जामिनेशन दे आर फाउंड टू बी वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर उनको लगता है कि कोई भी लेजिस्लेटिव एक्ट या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के अगेंस्ट है तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, नल, वॉयड, इलीगल डिक्लेयर कर देंगे, सिमिलर वे में जैसे सुप्रीम कोर्ट करता है, दैट्स कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। नाउ लास्ट इज इंडिपेंडेंस, जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट में किया था, यहां पर सुप्रीम, यहां पर हाई कोर्ट के पास भी इंडिपेंडेंस है। क्या क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए डिस्कस करते हैं। मोड ऑफ अपॉइंटमेंट, इंडिपेंडेंस क्या है भाई, राष्ट्रपति अपॉइंट तो कर रहा है जजेस को, बट जो जुडिशियल दे आर नॉट बेस्ड ऑन एनी पॉलिटिकल और प्रैक्टिकल कंसिडरेशन, कोई भी पॉलिटिकल चीजें, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ दो सीनियर मोस्ट जज बैठते हैं, एग्जीक्यूटिव बीच में नहीं है, तो सारी कोई भी प्रैक्टिकल कंसिडरेशन,
पॉलिटिकल कंसिडरेशन यहाँ पर नहीं है, राष्ट्रपति उनको यहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द कोलिजियम। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर क्या है, राष्ट्रपति उनको अपॉइंट तो कर रहे हैं बट रिमूवल उनका हमने पढ़ा इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, लोकसभा और राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ। अगर स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो जाता है तो एक पर्टिकुलर जज को कहा जाएगा कि वो इम्पीच हो गए हैं, आज तक कोई भी जज इम्पीच नहीं हुआ है। फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस, ठीक है, दे कैन नॉट बी चेंज टू अ डिसएडवांटेज आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट द फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमने पढ़ी लिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रीलिम्स का। सैलरी अलाउंसेस ऑफ द जजेस, यहां पे बात रही जजेस की, सैलरी जो आ रही है, अलाउंसेस जो आ रहे हैं वो कहां से आ रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट, जैसे हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया सरकार का गुल्लक, ऐसे ही स्टेट का। CFS एंड आर नॉन वोटेबल बाय द स्टेट, भाई ये नहीं कि कल को एक हाई कोर्ट के जज ने कुछ यहाँ पे जजमेंट सरकार के अगेंस्ट दे दी तो कल को आप उसके यहाँ पे तनख्वाह ही काटना स्टार्ट हो, नॉन वोटेबल। इंपॉर्टेंट क्या है, जो पेंशन है हाई कोर्ट की जज की, इंपॉर्टेंट, हाई कोर्ट के जज की तनख्वाह तो स्टेट के उससे आ रही है CFS से, बट जो पेंशन है, पेंशन कहाँ से आ रही है, सेंटर से, CFI से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, स्टेट से नहीं आ रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। पेंशन वर्ड याद रहे, पेंशन सेंटर से, और स्टेट तनख्वाह जो है वो स्टेट से आ रही है, ठीक है। बैन ऑन पोस्ट रिटायरमेंट प्रैक्टिस, भाई जैसे हाई कोर्ट के जज रिटायर हो जाते हैं, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग एंड एक्टिंग इन एनी कोर्ट एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट्स, ठीक है, वो यहां पर नहीं कर सकते, कहीं और पे कहीं पर भी प्लीडिंग नहीं कर सकते रिटायरमेंट के बाद। पावर टू पनिश फॉर इट्स कॉन्टेम्प्ट, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने पढ़ा होगा, हाई कोर्ट के पास पावर है किसी भी पर्सन को कॉन्टेम्प्ट के लिए यहां पे पनिश करने के लिए। इट्स एक्शंस डिसीजन कैन नॉट बी क्रिटिसाइज एंड अपोज बाय एनीबॉडी, यहां पर जो भी हाई कोर्ट के एक्शंस हैं, डिसीजंस हैं, वो यहां पर क्रिटिसाइज नहीं हो सकते। फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ, चीफ जस्टिस जो है उसके पास पावर होती है यहाँ पे कि वो ऑफिसर और सर्वेंट्स, जो सर्वेंट्स रखते हैं वो हाई कोर्ट में, कि उनको अपॉइंट कर सकते हैं और उनकी क्या सर्विस होंगी, ठीक है, विदाउट इंटरफेरेंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, मिनिस्टर बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, उनके पास पावर है कि कितने टाइम के लिए क्या सर्विस कंडीशन के लिए उनको अपने ऑफिसर्स या स्टाफ को रखना है, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स हमारे हाई कोर्ट के। अगर आप इससे पहले, अगर आज के सेशन से पहले सुप्रीम कोर्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे और फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे तो उसके बाद ये टॉपिक बिल्कुल कोरिलेटिव, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिकॉज रिट्स हम वहाँ पे कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की जब हमने पावर्स करी उनका रिमूवल प्रोसेस है वो डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज यहाँ पर भी सिमिलर आपके पास तरीका है हाई कोर्ट के जजेस को हटाने का कि दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा उसके बाद ही जज को आप इम्पीच कर सकते हैं, वो भी दो ग्राउंड्स पे, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। तो इसी के साथ हमारा हाई कोर्ट का चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो गया है, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं, नेक्स्ट टाइम हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और नीति आयोग, ठीक है, ये कुछ जो यहाँ पर मिसलेनियस टॉपिक है इनको डिस्कस करेंगे। सो विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माय टुडे सेशन, जय हिंद टू ऑल, टेक केयर।